सो ही गाइस, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं नया वीडियो जिसमें पावर टेस्ट कराने वाले हैं इस वाली रिमोट कंट्रोल कार की। भैया ये वाली कार छोटी रिमोट कंट्रोल कारों में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। भैया देखो, देखने में इसका साइज तो जरूर छोटा है पर इसका पावर बहुत ज़्यादा है। आज के इस वीडियो में ये टेस्ट करेंगे कि ये क्या क्या खींच पाएगी, क्या नहीं खींच पाएगी, कितनी कैपेसिटी है इसके पास। बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे, काफ़ी नई नई टेस्टिंग भी करेंगे, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए जल्दी से इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। भैया देखो, पहले हमारी कई वीडियोस में आपने इस वाले जेसीबी को भी देखा होगा, आज के इस पावर टेस्ट में इसका भी हम मदद लेंगे, इसकी भी हेल्प लेंगे इस वाली कार की पावर को चेक करने में। बाकी भाई इस वाली कार की भी मदद लेंगे, इस वाली कार को भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, हमारे पास एक छोटी बाइक भी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये भी होती है, तो इसकी भी हम हेल्प ले लेंगे इस वाली कार की पावर टेस्ट में। बाकी ये थोड़े बहुत हमारे पास इक्विपमेंट भी है, इनका भी हमें यूज़ करना होगा इस वाली पावर टेस्ट में। भाई चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये देखो, ये है इसका रिमोट, यहाँ पर लिखा हुआ है RC, नीचे रेडियो कंट्रोल लिखा हुआ है। भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कार हमारी फंक्शन सही से कर रही है फिर नहीं, तो एक बार लाइटें चला के देख लेते हैं। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम कर रही है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसकी लाइटें भी चल रही है, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो भैया पहले टेस्ट की शुरुआत करते हैं इस वाले हल्के से जेसीबी की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है और कार पर इसे ही रख के देखते हैं कि ये कार इसे खींच पाएगी या फिर नहीं। तो हल्के से ही शुरू करते हैं। तो भाई हमने जेसीबी को इस वाली कार पर रख दिया है और देखते हैं कि ये वाली कार इस जेसीबी का वजन सह पाती या फिर नहीं। तो 1, 2 और 3 भाई देख सकते हैं आप सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा आसानी से ये वाली कार इस छोटे से जेसीबी को आगे ले जा पा रही है। तो चलो चेक करते हैं इस वाली हरी कार को, देख सकते हैं आप सभी लोग, हमने इस ग्रीन वाली कार को भी रख दिया और एक बार चेक करते हैं 1, 2 और 3। भाई ये भी आसानी से ले जा पा रही है, एक बार और चेक करते हैं 1, 2 और 3। अब इसका नंबर एक एक करके सबको रख लेते हैं और अंत में सबको एक साथ रख देंगे और देखेंगे इस वाली कार की कैपेसिटी है क्या कि सबको एक साथ ले जा पाए। 1, 2 और 3 देख सकते हैं आप सभी लोग, इसको भी आसानी से ले जा पा रही है। और ये क्या भाई, इतनी ज़्यादा तेज़ी से ठोक दिया, देख सकते हैं आप सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ये वाली छोटी रिमोट कंट्रोल कार। भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसे रख के। 2 और 3 देख सकते हैं आप सभी लोग, तो इस वाली छोटी रिमोट कंट्रोल कार को भी रख देते हैं। भाई ये भी रिमोट कंट्रोल कार ही है, रेड वाली। 1, 2 और 3। तो भाई ये भी आसानी से, भाई असल में दिक्कत ये है कि इसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज है तो ये वाली कार रुकती नहीं है ना, और ये सब फिसल जाती है इसके ऊपर। एक बार ये भी चेक करते हैं कि रस्सियों पर इस कार का चलना आसान है या फिर नहीं। तो 1, 2 और 3 भाई काफ़ी ज़्यादा आसानी से चल पा रही है, देख सकते हैं आप सभी लोग। हमारे पास एक ये वाला स्टैंड है, चलो इसे भी रख कर देख लेते हैं कि ये वाली कार इसे खींच पाएगी या फिर नहीं। तो 1, 2 और 3 देख सकते हैं भाई, ये क्या हुआ, इतनी ज़्यादा पावर इसमें कैसे आ गई इस वाली कार में। तो भैया इस बार हमने अपनी जेसीबी और बाइक को साथ में रख दिया, इस बार इस वाली कार की पावर को चेक कर लेते हैं। 1, 2 और 3 देख सकते हैं आप सभी लोग, भाई ये क्या हुआ। असल में दिक्कत तो ये आ जाती कि इस वाली कार की पावर काफ़ी ज़्यादा है तो ये रुकती नहीं है, सबको गिराकर भाग जाती है। तो भाई अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमने इन तीनों को इस इकलौती कार में बांध दिया और अब हम इस वाली कार की पावर को देखेंगे। तो भाई चलो जल्दी से इसे भी शुरू कर लेते हैं। तो 1, 2 और 3 देख सकते हैं आप सभी लोग, भाई ये क्या, भाई आसानी से ये वाली कार दोनों को खींच कर ले जा पा रही है, पर हमारी जो बाइक है वो खुल चुकी है। अब भाई एक नई टेस्टिंग दोनों कारों को रखती है अपनी सुपर कार के ऊपर। चलो भाई इस वाले बटन को टैप करते हैं 1, 2 और 3। तो भाई इसके लिए एकदम आसान काम है इन दोनों को खींचना। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, इसकी जो पहियास हैं, इसके टायर्स हैं, वो रपट रहे हैं, इसीलिए आगे पीछे नहीं बढ़ पा रही है, ताकि कोई दिक्कत नहीं है खास। भैया अब कोई लिमिटेशन नहीं, देख सकते हो आप सभी लोग, सबको एक साथ में रख लिया है इस वाली सुपर कार के ऊपर। सबसे ऊपर है जेसीबी, फिर उसके नीचे है हमारी बाइक, उसके नीचे है ये रेड वाली सुपर रिमोट कंट्रोल कार, फिर ये वाली ग्रीन रिमोट कंट्रोल कार वायर वाली, फिर नीचे हमारी सुपर रिमोट कंट्रोल कार है वाइट कलर की। भाई चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाली कार इन सबको लेकर आगे बढ़ पाएगी या फिर नहीं। तो 1, 2 और 3। तो भैया आप सभी ने देखा कि दो कारें ही हमारी कार के ऊपर रह गई हैं, बाकी सारे टॉयज पीछे गिर गए हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग वहाँ पर गिर चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।